सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देखो मेरा रोकी बच्चा, ये सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा और क्यूट सा है। अच्छा, इन ना कछुओं की कमाल ये है कि ये लोग ना शोर भी नहीं करते, आराम से इनको पाल सकते हो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इनकी थोड़ी सी ना आपको केयर करनी पड़ेगी ना स्टार्टिंग में, कि इनको क्या चाहिए, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, ठीक है। जैसे कि ना अभी ना थोड़ी सर्दी बढ़ गई है, जैसे मौसम चेंज हो गया ना, तो अब इन्होंने ना ये अभी दूसरा दिन इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। मैं जो भी इनको दे रहा हूँ ये खाना नहीं चाह रहे और ना ये पानी में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी देखो ना, मैंने इनको अभी नहला दिया, एक बार मैंने इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं रात को इनको ना एक दूसरे टब में रख लेता हूँ, उसमें मैंने रेत रखी हुई है, सेंड है और तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इनको ना रात को पानी में ना रहना पड़े, क्योंकि अभी ठंड पड़ती है, ठीक है। तो अब ये पानी में भी नहीं रहना चाह रहे और दो दिन से खा भी नहीं रहे। मैं अभी इनको लेके आया हूँ, मैं इनको फिर से कुछ खिलाऊँ, हो सकता है ये कुछ खाए। ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, ये देखो, ये है रॉकी और ये है भाई गब्बर सिंह और ये है मेरा पुष्पा। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ना मैंने नोट किया है, मेरे पास एनालिटिक्स में ना मैंने नोट किया है कि मेरी वीडियो ना ज़्यादातर इंडिया में देखी जा रही है। तो सबसे पहले तो इंडिया से जो भी लोग इनको देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो आप लोग लाजमी उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट करेंगे ना, कुछ पूछेंगे, तो हो सकता है मैं मज़ीद उसके बारे में रिसर्च करके ना आपको जवाब दूँ इसके बारे में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इन लोगों के बारे में, मैंने तो आप लोगों से कई बार पूछा कि मुझे बताएं कि भाई इनका ये किस नस्ल से हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन सी नस्ल का है, क्या नाम है, लेकिन आप लोग मुझे जवाब दे नहीं रहे। और उससे पहले मैंने खुद अपनी बड़ी रिसर्च की, ठीक है, मैंने अपनी रिसर्च की, इसका नाम मुझे पता चल गया, इसका पता चल गया, मैंने पूरा पूरा डेटा इसके बारे में इकट्ठा कर लिया। अब मैं एक और वीडियो सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं, तो 3-4 वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, जिसमें मैं इनके बारे में बताऊँगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये समंदर में ज़्यादा पाए जाते हैं या दरियाओं में, जिस तरह की ये गंगा से पाकिस्तान में सिंध में पाए जाते हैं और इंडिया में गंगा में पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या खाते हैं ये, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स में इन कछुओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप लोग को सब्सक्राइब करें कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इनको खाने की कोशिश करता हूं, इनको खिलाने की कोशिश करता हूं कि ये लोग खाते हैं कि नहीं आज, ठीक है। अब ये पानी में रहना नहीं चाह रहे, मैंने इनको फिर से दोबारा से पानी से निकालना, लेकिन ये याद रखें कि जब इनको खाना देना हो ना, ये पानी में ही खाते हैं, ठीक है। ये खुश्की में, ये अभी छोटे से बच्चे हैं, ये अभी खुश्की में नहीं खा सकते, इसको बाहर ये लोग ना खाना निगल नहीं सकते। जब भी आप इसको कुछ देते हो, ये खाना लेके ना पानी के ज़रिए से उसको खाते हैं और दोबारा पानी नाक से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ इनको खाना देने की।